अब ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में था, ठीक है, 2018 का कुछ ऐसे नंबर्स में था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से कॉपी नोट्स कर लीजिए और इसको देख लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद पूछ सकता है, ये दो तरह क्वेश्चन होता है, ऐसे डाटा दे दिया जाता है, एक तो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला और एक दूसरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाता है बहुत बार, देखें कि कितने सारे क्वेश्चन मैं पूछ चुका है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, बस एक बार अगर देख लीजिएगा तो शायद ये क्या पता ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक मतलब बोर्ड में पूछ दे, और इसको एक बार देख लीजिएगा तो जल्दी भूलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो पहला काम करना क्या है, इसके लिए हमको मीन निकालना है। सबको पता है कि मीन का फॉर्मूला जो होता है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड समेशन इन समेशन एफ, मतलब मीन निकलता है वहां से। तो सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे हम, तो पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समेशन ऑफ इस दोनों को मल्टीप्लाई का योग, एफ इंटू एक्स वाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, तो 0 गुना 122, 0 गुना 122 प्लस 1 गुना 60 प्लस 2 गुना 15 प्लस 3 गुना 2 फिर प्लस 4 गुना 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1। इन सब यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको, 100 डिवाइडेड 200, इसका मतलब क्या 0.5। तो मीन बराबर हमको क्या निकला है, एम इक्वल टू 0.5 फ्रॉम पोजन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम पोजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया ना, फिट इफ पोजन डिस्ट्रीब्यूशन, हमको यहाँ पोजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है मेरा, पी आर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम गुना पावर आर बटा फैक्टोरियल आर, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए तो इनका वैल्यू मेरा क्या है, तो पी आर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 0.5 गुना 0.5 पर पावर आर बटा फैक्टोरियल आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सिंपल सा काम करना है, ये जो ऊपर वाला आपको वैल्यू दिख रहा है 0.1234, 0.1234, हमको आर जैसे सभी जगह वैल्यू रखना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पी आर बराबर अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 0.5 गुना 0.5 पावर क्या जाएगा 0 बटा सॉरी यहाँ पर 0 होगा और 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसका वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 0.606, 0.606, ठीक है। अगर बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद अगर पी आर बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से 0.5 पर पावर 1 बटा 1 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 और 1 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, 0.303। फिर आगे चलिए, पी आर बराबर अगर 2 रखिएगा तो ई टू दी पावर माइनस 0.5 गुना 0.5 पर पावर क्या आ जाएगा 2/2 का फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, 0.0 लगता है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इसको कैलकुलेटर पर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अल्फा शिफ्ट ई टू दी पावर क्या जाएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड 2, तो क्या आ जाएगा ये 0.075। उसके बाद पी आर बराबर हम 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा -0.5 गुना 0.5 पावर क्या आ जाएगा 3/3 का फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0. एक बार कर ही लेते हैं, क्या है 3 है, 3 डिवाइडेड 3 × 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा गुना और सॉरी सॉरी 3, तो ये आपको मिल जाएगा 0.012 ई टू दी पावर
आपका देन ये वैल्यू क्या जाएगा 0.0126, सही निकल रहा था मगर, तो 0.0126 उसके बाद पी आर बराबर हम फोर रखेंगे, ठीक है, ये हमको क्या निकल जाएगा 0.5 × 0.5 का पावर 4/4 का फैक्टर, ये आपको क्या आ जाएगा वैल्यू 0.0157 समथिंग कुछ ऐसा भी आएगा। इसके बाद इसको करने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इस तरफ की डायग्राम बनाना है, ये इस डायग्राम को बनाने के बाद ये आपको जो है नीचे वाला, ठीक है, ये हटा देना है, ठीक है, ये लिखना है, कैसे लिखना है ये देख लीजिए, एक्स और यहाँ का जो वैल्यू आया क्या आया है वहां से देखते जाइए 0.306, एक्स फिर एफ फिर जीरो था तो क्या आया मेरा 0.606, उसके बाद फिर वन ये तो क्या आया 0.303, फिर टू देने के बाद क्या आया है 0.075, फिर थ्री देने के बाद क्या आया है 0.0126, उसके बाद फिर फोर देने के बाद क्या आया है 0.00157, तो इस तरह का कोई डाटा बनता है, यही मेरा आंसर है, ये लिख देना हेंस पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन पीडी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आपको बेनिफिट आ जाएगा एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ नहीं होगा, यहाँ पर जो है पी आर होगा, क्योंकि एफ तो मेरा ये वैल्यू है ना, हम ये सब क्या निकाल रहे हैं, पी आर निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी आर का ही ऐसा वैल्यू है, अगर सिंपल सा कम करना चाहिए पी आर, ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स लिखना है और यहाँ पर पी आर लिखना है, बस सिंपल काम खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको नोट कर लीजिए।